और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। यूपी के बस्ती में कांग्रेस उम्मीदवार राजकिशोर सिंह के एक प्रचार गाड़ी से 24 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन राजकिशोर सिंह इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की क्या कुछ सच्चाई है, इस रिपोर्ट में आपको बता दें। नोटों की ये मोटी मोटी गड्डियां किसी डकैती या चोरी से बरामद नहीं, बल्कि नेताजी की कार से मिली है। छठे चरण के चुनाव से पहले बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नगर कोतवाली इलाके के सोनू पार के पास पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी राजकिशोर सिंह की कार से 24 लाख का कैश समेत भारी मात्रा में प्रचार सामग्री बरामद की है। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल वोटरों की खरीद फरोख्त के लिए किया जा रहा था। गाड़ी मुड़ के भागने लगी तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट करने के दौरान कैश की रिकवरी हुई है। और अभी कैश को रिकवर करके लोग पुलिस स्टेशन लेकर के आए हैं और काउंटिंग चल रही है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी बताना मुश्किल होगा कितना है, और कौन इसका क्लेमेंट है अभी अभी हम नहीं बता सकते। इस दिशा में एक आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा, बाकी डिटेल आपको बाद में। सोनूपार चौराहे के पास गुरुवार को दिन में 11 बजे कांग्रेस का झंडा लगे स्कॉर्पियो आते दिखी। सड़क पर उड़न दस्ते की टीम को देखकर वाहन चालक ने तो गाड़ी रोक ली, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति जैसे ही फरार हुआ तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। शुरुआती जांच में पता लगा कि प्रचार सामग्री कांग्रेस प्रत्याशी राजकिशोर सिंह की थी। वो गाड़ी किसकी है, कौन है मालिक, मैं नहीं जानता, और हमें लगता है विरोधियों की हमारे साजिश है, ये साजिश कर रहे हैं। पुलिस अपने स्तर से पता करे पैसा किसका है, और अगर इस तरीके का अफवाह मेरे खिलाफ कोई करे तो इस पर कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग मुझे, क्योंकि आज हम चुनाव बढ़त की जब हो रहे हैं और सब जान रहे हैं चुनाव राजकिशोर सिंह जीत रहे हैं, तो इस तरीके के तमाम गलत फहमियाँ लोग समाज में पैदा करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस पर हौफे पे न जाए, और पुलिस से अनुरोध है कि जाँच करे किसका पैसा है। चुनावी माहौल में मामला दबा रहे राजकिशोर इसे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही है उससे साफ होता है कि पुलिस ने किसी बड़ी साजिश को पूरा होने से पहले ही नाकाम कर दिया। राजकिशोर सिंह सपा के शासनकाल में मंत्री थे और कप्तानगंज से 3 बार विधायक रहे। हाल ही में सपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके राजकिशोर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहां उनका मुकाबला भाजपा से सांसद हरीश द्विवेदी और गठबंधन के बसपा के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी से है। बस्ती से संतोष सिंह के साथ मनीषा झा, नोएडा, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।